मेहता साहब, आज के बाद हम बेटिंग, गैम्बलिंग, लिकर, ये सारे गैरकानूनी धंधे बंद कर रहे हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो सारी प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो। पागल हो गए भाव, इन्हीं सारे धंधों से हम रोज लाखों रुपए कमाते हैं। ये देवी की इच्छा थी रंजीत। देवी की इच्छा से कुछ बनना ही होगा भाव, मैं संभालूंगा सब कुछ। ये उठ, गेट आउट। बड़ा आया धंधा खरीदने। मैंने बुलाया था इन्हें। किससे पूछ के बुलाया था भाव, किससे पूछ के? पूरी बात तो सुन लो रंजीत। तुम चुप रहो रत्ना, आज तक बहुत सुन ली मैंने तुम ठाकुरों की बकवास। इस घर का जमाई मैं हूं और आज के बाद सारे फैसले मैं लूंगा। मैं नहीं रंजीत, बाबू ने जो फैसला लिया वो सही है। बाबूजी जिंदा हूं। तुमको पता था? हाँ बाबूजी, मैं चुप। अभी तुम और रत्ना हमारे गोवा का फाइव स्टार होटल संभालोगे। जी, कल ही हम गोवा चलेंगे, कुछ दिन के लिए मैं साथ चलूंगा, समझे? क्यों? दीदी क्या कर रहे हो? अरे उनकी आदतें तुम्हें मालूम है, बिना खाए घर से कोई गया है कभी? कौन आया है? सुलेमान, ये लाख रुपए है। वो जज भाटे से बोलना, अगर अनवर नहीं छूटा तो उसके हलक में हाथ डाल के पैसे वसूल करूंगा मैं। अनवर सोमवार तक रिहा हो जाएगा दादा। पिछले सोमवार का क्या हुआ? हाँ ये सोमवार पिछले दो महीने से चल रहा है बाबा। अरे इधर आ, सोया नहीं? अकेले डर लग रहा है, आप चलो ना। अम्मा आ जाएगी, जा तू सो जा, जा जा। नहीं मुझे आप चाहिए। अच्छा 5 मिनट बैठ बैठ, सो जा। वो अनूर को खाना घर से जा रहा है ना? मेरी बीवी खुद पकाती है दादा। वो पर्दा बंद कर दो ना बाबा, मुझे बिजली से डर लग रहा है। साला बिजली से डरता है? दादा बैठो, मैं बंद कर देता हूँ। सोन साहब आप आइए मेरे साथ। बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए वो बहुत डर गया है, कुछ दिनों के लिए उसे इस माहौल से दूर रखिए। क्या कह रहा था वो? देवी बहुत डरा हुआ है, उसे कुछ दिनों के लिए इस ख्वाब से कहीं दूर भेज दो। दादा जैसलमेर में अपना घर है तो कुछ दिनों के लिए देवी को वहां भेज देते हैं। नहीं, उसे बनारस भेज रहा हूं उसके मामा के पास। कुछ दिनों के लिए वहां भी साथ जाएगी, वहीं किसी अच्छे से स्कूल में दाखिला ले लेंगे उसका। देवी, बाय। बैठ, चल। गया देवी? हाँ अभी अभी गया। लेकिन अबू मेरे 3 रुपए लौटाए नहीं उसने, मैं मारूंगी उसे। आओ इधर, आओ इधर, हम उसे ढूंढ लाएंगे। हाँ ये लो, और ये तुम्हारे 2 रुपए और ये हो गए 3 रुपए।
देवी ने देने के बाद मुझे लौटा देना। चल ओके सर। आपने पूरी फ्लाइट में कुछ खाया ही नहीं। आज मेरी माँ का जन्मदिन है, फाइनली 6 महीने बाद उसके हाथ का बना खाना खाऊंगा। ओके वुड यू लाइक टू हैव समथिंग। साड़ी की दुकान खोल दी क्या बुड्ढे? अरे विश्वंबर तू क्या कर रहा है सवेरे सवेरे? अरे आज मेरी बहन का जन्मदिन है, मुबारकबाद देने आया हूँ। बधाई हो। शुक्रिया विश्वा। हे भगवान। थैंक यू बेटा। ये तो हीरे का है, इतना महंगा तोहफा मैं नहीं ले सकती। उमा अपनों ने दी हुई चीज की कभी कीमत नहीं लगाते। चुपचाप शाम के फंक्शन में पहन लेना। काशी चाय लाओ विश्वा के लिए। नहीं नहीं चाय वाय नहीं पीऊंगा। तू चाय नहीं पीगा? अरे वो टेस्ट से पहले कुछ खा पी नहीं सकते। काहे की टेस्ट? मिठास बढ़ गई है, डायबिटीज। अरे संभालना, और वो स्कॉच कम कर दो थोड़ी। अरे वो कैसे कम करूं, विस्की के लिए तो जीता हूं। चलता हूं, शाम को मिलते हैं। हंस क्यों रहे हो? सुना नहीं? अपनों ने दी हुई चीज, मौका मिलते ही अपनों का गला काट देगा ये विश्वंबर। मैंने क्या किया? क्या किया? 2 दिन से फोन तक नहीं किया तुमने। मगर आ तो गया ना। हाँ ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने। सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं मेरी जान? निकलो तुम यहाँ से, निकलो चलो। अरे निकलो तुम यहाँ से, जाओ। ठीक है। ए ए निकलने बोला तो निकल गए। 6 महीने के बाद मिले हो? अरे 6 महीने के बाद मिले हो, मेरी जान चली जाती है तुम्हारे बगैर। तुम्हें फिक्र है कि नहीं? तुम्हें फिक्र है कि उन्हें देख के चेहरे पे आ जाती है रौनक, और वो समझते हैं सनम का हाल अच्छा है। सनम का हाल नहीं, बीमार का हाल अच्छा है। अरे गालिब को समझना इतना भी आसान नहीं है। किसे समझना है गालिब को? ये 2 लाइनें उर्दू की याद करते करते जान निकल गई मेरी जान। ओ, हम सिखा देंगे तुम्हें। क्या लोगी रिश्वत? दोगे? नेकी और पूछ पूछ। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। मिया जी ये छेड़ा 15 देने वाला था, आज 8 ही दिए। मालिक मैंने फोन किया था उसको, तो फोन पे गिड़गिड़ा रहा था, बोल रहा था तकलीफ में हूँ, जल्दी करता हूँ। मस्ती ज्यादा बढ़ गई है उसकी। मैं संभाल लूंगा उसको। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है माँ जी। रंजीत राणा अंकल आ गए। क्या हाल है? सलाम साहब। दादा राणा आया है। डिकोस्टा है साथ में? जी आजकल दोनों साथ में ही रहते हैं। जानता हूं, जरा ध्यान रखो उनका। जी सिंगल मॉल्ट पीता है वो। मालूम है। दादा सुना है गिफ्ट में बड़ा कीमती नेकलेस दिया है। उमा को बहन मानते ना वो। सांप है वो, आपकी कुर्सी पे बैठना चाहता है। तुम सही पहचानते हो उसे मियां? दादा फकीरा बार बार फोन कर रहा है, क्या कहूं उसे? बोल दो बाबा मिलना नहीं चाहते उससे। नहीं मैं मिलूंगा उसे राम। पर बाबा वो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहता है और आप ड्रग्स के खिलाफ हो। राम आदमी उसके काम से नहीं उसकी सोच से बड़ा होता है। हमें फकीरा की सोच जाननी है। बहू उसे कहना कल मिलता हूं उसे यहीं। दादा चलिए ना, शैला सबको बुला रही है।
केक काटना है और फैमिली फोटो भी लेना है। देवी तो नहीं आया ना अभी तक, उसे आने दो। दादा फ्लाइट डिले हो गई क्या? नहीं, वो क्या कहते उसे, वो स्टॉप ओवर था। स्टॉप ओवर मतलब? मतलब मैं अच्छी तरह से जानता है। विश्वंबर कैसे हो? सिंगल मोड मिल गया ना? यस। कैसे हो डी कॉस्टा? बढ़िया। और दंडेल जामुल की चालू है? अच्छा मियाँ बाहू जी केक कटिंग करे? बोलो। अरे देवी को तो आने दो बेटी। देवी तो पता नहीं कब दर्शन देगा। हाँ अनवर चाचा के यहाँ पार्टी होती ना तो जरूर टाइम पर आता देवी, नहीं चाचा? चले चले। वो क्या कहते मियाँ, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम। हाँ हम भी आदमी थे काम की उमा। कैसी चाचा? हाँ कैसे हो बेटा? देवी आ गए। अरे अरे परी, दुबला हो गया तू। साफ तो हमेशा ऐसा बोलते हैं। नजर न लग जाए। बहुत खूबसूरत लग रही है ना परी? भाई चलो ना एक फैमिली फोटो लेते हैं ना, अब तो देवी भी आ गए। चलो किसी भाभी देखो दिमाग खा लेगी। चलो 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 चलो। यार फोटोग्राफर किधर है? जी यहीं पर हूँ। एक सेकंड परी आजा। देवी पहले फैमिली फोटो हो जाए। वो भी तो फैमिली है भाभी। कम आओ परी आओ। अरे अनवर मियां जी कोई और नया नहीं होता तू? नहीं नहीं वो पहले फैमिली फोटो हो जाए तो अभी निकाह कर लेते। फैमिली में आ जाओ। एक मिनट मेरे बिना फैमिली फोटो नहीं। पांच मिनट पहले मैं फोटो खिंचवा लूं। हाँ सबको फोटोग्राफ फोटोग्राफ। फाइव मिनट फैमिली फैमिली फोटो। अच्छा मेरे बिना फैमिली फोटो ले रहे थे ना? So good to see you. वो छोड़ तू चुन्नीलाल से चार्ली कब बन गया? अरे क्या कर रहा, धीरे बोल यार। चुन्नीलाल मत बोल, फिल्मों में मेरा नाम चार्ली है, चार्मिंग चार्ली। फिल्में कैसी चल रही हैं? ओके बहुत अच्छी हो जाएंगी। चला फोटो खींचते हैं। हाँ चल। ठाकुरों का समूह फैमिली फोटोग्राफ खींच रहे। क्या लगता है काली तुम्हें ड्रग्स का धंधा करने देगा? कल मीटिंग है, अगर ऐसे फैमिली फोटोग्राफ्स और खींचना चाहता है देगा, जरूर देगा। चीयर्स। बहु अनवर नहीं है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है दादा। मैं कालिदास भानुदास ठाकुर। मजाक क्यों कर रहे हो दादा, आपको मुंबई में कौन नहीं जानता? मैं फकीरा। काम की बात करें? ड्रग्स में बहुत पैसा है। जानता हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। फकीरा मैं ड्रग्स के बिजनेस के खिलाफ हूं। मैं आपको 40% शेयर दूंगा। क्यों? आपके कॉन्टैक्ट्स के बिना पुलिस और पॉलिटिकल हम कुछ नहीं कर सकते। वगैरह अगर मैंने ड्रग्स का बिजनेस किया ना तो ना पुलिस में मेरे कॉन्टैक्ट्स रहेंगे ना पॉलिटिकल। दादा हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। मैं तुम्हें ड्रग्स करने से रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो धंधा कर सकते हो फ्रांसिस। एक और बात सोच लो दादा, इस धंधे में बहुत पैसा है। क्या करेंगे इतने पैसे का फकीरा, खाता तुम्हें डाल चावल। बाबा पुलिस और पॉलिटिशियन को थोड़ा शेयर दे दो। ग्रीडी लॉर्ड बाबा। रंजीत जिंदगी में मेरे कुछ उसूल हैं और ड्रग्स करना उन उसूलों के सख्त खिलाफ है। एनीथिंग एल्स फ्रांसिस?
नथिंग दादा, थैंक यू। रंजीत, झूठ, लालच और फरेब से नशा नहीं करते, आईने आज भी सच बोलते हैं। सॉरी बाबा, मुझे तो सिर्फ लगा कि कोई और कमाने से बेहतर हम ही कमा ले। चूती है, जब बाबा बोलते हैं तो मुंह बंद करके सिर्फ राम। सुनने का राम। नहीं बाबा, नहीं बाबा, गलती मेरी है, दोबारा नहीं होगी। पोतिया। हाँ दादा। ध्यान रखना इन पर। हाँ ठीक है। क्या बात है उमा, बहुत ही बढ़िया बनाया खाना। टीवी को तो बहुत तीखा लगा होगा। क्यों? वहां जाके आदतें जो बदल गई होगी। मैंने सिर्फ शहर बदला है भाभी, मेरे तेवर नहीं। आगे क्या सोचा? अभी अभी तो नौकरी लगी है बाबा, कम से कम एक साल तो काम करना पड़ेगा। तू वहां नौकरी करेगा? मतलब ऑर्डर लेगा, एक प्लेट इडली, दो प्लेट मिसल पाओ। शेफ हूँ, वेटर नहीं भैया, खाना बनाता हूँ। राम, आज का खाना इसने ही बनाया है। अच्छा, अरे वाह। वहाँ नौकरी क्यों कर रहा है, खुद होटल क्यों नहीं शुरू करता? होटल के लिए बहुत पैसा चाहिए बाबा। दो, मेरा बाबा भी जिंदा है। वो सिंगापुर है, हर चीज का हिसाब रखते हैं, पैसा कहाँ से आया, कितना आया। तो ठीक है, वही किसी पैसे वाली लड़की से शादी कर लो ना, और वैसे भी लड़कियां तो बहुत मिली होंगी। नहीं किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी तो परी आंखें निकाल लेगी उसकी। शादी के बारे में क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा बाबा, मैं बात कर लूंगा अनवर चाचा से। अनवर चाचा से अच्छा दहेज लेंगे, वैसे भी बहुत पैसा जो कमाया उन्होंने। बहुत बेटी, मान लिया अनवर चाचा ने बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर को बचाने के लिए दो बार गोलियां भी खाई है उन्होंने। शैला बहुत नफरत करती है हमसे। ऐसा भी नहीं है। मुझे पता है। तुम भी गांव से ऐसा पसंद करती हो। क्या करूं? एक दिन मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तेरे इसी तेवर पे तो फिदा हूं मैं। देवी, हम सचमुच 6 महीने में शादी कर रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं अभी कर लूं। तो चलो, जगह भी पाक है, इरादे नेक है तुम्हारे, और माशाल्लाह तुम भी इतने हैंडसम लग रहे हो। तूने एक कम में देरी किया, चलो। क्या तुम्हें ये जिद्दी, बेवकूफ, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाली लड़की कबूल है? कबूल है, कबूल है। मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। ओ मेरे हाथों में है एक दुआ, उसे सुन रहा है वो खुदा। वादे मेरे पक्के वे, तेरे लिए रखे वे, उम्र भर निभा चंगिया। ओ साया साया, सुन ले तू मेरी अर्ज़ी। ओ साया साया, सुन ले तू मेरी अर्ज़ी। तेरे नाल मौसम सारे वेखला, हाय धूप होवे होवे चाहे बारिश। ओ रखी ब
बस में रहते यकीन तू है यही बस कर दावे गुजारिश ओ जितनी लकीरे हाथों में तेरे रंग बिच में तारंगिया ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्जिया ओ साया साया सुन ले तू मेरी अर्जिया बस यही सुबह शाम करती है लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती है हाँ लोग करते हैं छुप छुप के अंदर तो चलो सरेआम करती है लोग करते हैं छुप छुप के ये इश्क सरेआम करती है ये इश्क सरेआम करती बताओ ना मेरी माँ इस जगह पर मुजरे वाली हुआ करती थी वालेकुम चाचा वालेकुम अस्सलाम ये आपकी चाय अरे शुक्रिया तुमने क्यों तकलीफ की क्या चाचा तकलीफ कैसी नौकरों को बोलो क्या घर के आदमी को चाय देने के लिए जीती रहो थक गई ना हाँ चाचा अब 6 महीने में शादी है उसकी तैयारियों में भी लगना है ना नहीं मालिक ने बताया अब देखो मुझे भी जुटना पड़ेगा तैयारी में क्या चाचा आप क्यों टेंशन ले रहे हो बाऊजी है ना खर्चा करने के लिए हाँ और वैसे भी मेरे पास जो भी है वो मालिक की बदौलत तो है अच्छा चाचा बाऊजी बता रहे थे आपने गोलियां भी खाई उनके लिए खुदा है वो मेरे लिए लेकिन आपकी ये जो खुदा के रिश्तेदार है ना बड़े वाहियात है कह रहे थे कालिदास को अपने बेटे के लिए तवायफ की बेटी मिली मेरा बस चलता ना जबान खींच लेती उनकी उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की देखो देवी मुझे लगता है उसका कहने का मतलब ये नहीं था नहीं अबू उसका इरादा हमें जलील करने का था आइंदा उसने ऐसे कुछ बात की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी परी ये बदतमीजी हो रही है लेकिन अबू बदतमीजी शैला ने की है वो नहीं चाहती मेरी और परी की शादी हो देवी देवी शांत सिंगापुर जाने से पहले मैं परी से शादी करना चाहता हूँ कैसे मुमकिन है वक्त कहाँ है हमारे पास हम कोर्ट मैरिज करेंगे कोर्ट परी हाँ। कल सुबह हम वीजा ऑफिस चलेंगे लेकिन मेरा पासपोर्ट 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है वो सब हो जाएगा मुझे लगता है जल्दबाजी हो रही है मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए देवी या मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे एम्बेसी जाना है बाबा तुमने शैला से बदतमीजी की बाबा वो शैला की बात क्या देवी मैंने तुमसे पूछा तुमने शैला से बदतमीजी की मगर पहले बदतमीजी उन्होंने की थी अब उनसे पूछ लीजिए क्या किया था उन्होंने ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है तुमने बदतमीजी की है अभी इसी वक्त माफी मांगो उसकी मैंने गलत नहीं किया है मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगा इस घर में मेरा हुक्म चलता है अगर किसी को एतराज हो तो घर से जा सकता है भैया अरे नहीं सुन भैया देवी उमा बैठो
देवी, 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 ये क्या फालतूगिरी चल रहा है यार? अपनी बीवी को समझा। उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। साली का दिमाग कम और सुबान ज्यादा चलती है। अरे चल, छोड़ 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 भैया। क्या चूतियागिरी चल रहा है यार? देख, बाबा की बात का बुरा मत मान, मैं बाबा से बात करूंगा। अच्छा सुन, और उसके बाद बाबा को बोलता हूं कि तूने माफी मांग ली। ना मैं माफी मांगना चाहता हूं, ना मैं माफी मांगूंगा। साले, सॉरी। मैंने सोचा था तू सिंगापुर जाके बावला हो गया होगा। लेकिन है साले, ठाकुर का खून है तेरे में भाई। अच्छा तू रहेगा कहां पे? और कुछ तैयारी करनी है शादी की? कोर्ट मैरिज में क्या तैयारी करनी है, बाहर जाके कहीं खाना खा लेंगे। ये भी सही है। अच्छा सुन, पता है तेरे को, वो क्लर्क है ना रजिस्ट्रार ऑफिस का, पहले बहुत नाटक कर रहा था। अच्छा, ऐसा कैसा? शादी करनी है तो एक महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। मैंने कहा अभी कुछ ले लेना, कहने लगा नहीं, प्रोसीजर है, रूल्स आर रूल्स। फिर क्या? मैंने कहा देवीदास कालिदास ठाकुर की शादी है, सुनते ही गीली हो गई। क्या पी रहा है तू? लड़कियों वाले ड्रिंक कब से लेने लग गया? क्या कह रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स में आजकल मजा ही नहीं आता। वापिस कब जा रहा है? 30 को। ये देख कौन आया, डॉन। चूतिए, मेरे पे क्या शुरू हो गया? अरे अब भी शुरू किया, तू क्या लेगा बोल? तू मुझे बताएगा? जाके बैठ। जा भाई ले ले, तेवर देख लो इसके। देवी, 20 को शादी और 30 को जा रहे हो, वीजा हो जाएगा? हो जाएगा रे, तेरा थोड़ी हमारे जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाँ। चार्ली, तेरा बॉटल लेके जा रहा हूँ, चल देवी, बाय। भैया, परी के पासपोर्ट का क्या हुआ? अरे साले, वही तो बताने आया था, भूल गया। 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। हाँ, चल दिखाता हूँ। भैया मुझे भी घर ड्रॉप कर दो ना प्लीज। चल। मत जाओ। और अब्बू को क्या बोलूं? चाचा को मैं बता दूंगा तू अपने होने वाले पति के साथ है। चल मैं भी निकलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनूंगा यार, तुम लोग एंजॉय करो, लड़कियों की कमी नहीं मेरे पास, समझा? एंजॉय करो तुम लोग। अब मैं रुक गई हूँ ना। हाँ तो? तो क्या देखते ही रहोगे? अगले हफ्ते हमारे कोकेन का पहला कंसाइनमेंट आ रहा है। फकीरा, तुम कालिदास के गुरूर को नहीं जानते हो। जब तक वो जिंदा है, मुंबई में बड़े पैमाने पे ड्रग्स करना मुश्किल है। और अगर वो जिंदा नहीं रहा तो क्या करें? बैठिए। सिट। शुक्रिया। क्यों? दोस्ती का हाथ कबूल करने के लिए। मैं किसी का दोस्त नहीं हूं। इतने साल काम किया कालिदास के लिए, मिला क्या घंटा? अब मेरा दोस्त सिर्फ पैसा है। क्या कीमत रखी है कालिदास के मौत की? 5 करोड़। 1 करोड़। बाकी के 4 कल सुबह पहुंचा दूंगा। एड्रेस बोल। पेन। 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 Nice pen. Francis, ये पेन नहीं, कैमरा है। ये कालिदास को दिखाना चाहता है कि हम कितने बड़े कमीने हैं। ओके, मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। शबीर, एक्शन। देवी उठो, उठो ना, उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह?
बैड जोक, आज हमारी शादी है, चलो उठो। मुझे पता है हमारी शादी है। क्या मर जाऊंगा मैं तेरे बिना? अच्छा, जान है तू मेरी और तुम मेरी हर सांस हो। चलो 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 चलो। हेलो सर, पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। परवीन का पासपोर्ट रेडी है। हाँ गुड, मैं तुरंत आता हूँ। जी, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है, तुम तैयार हो जाओ, पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहीं से रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। हेलो, आज मेरा मुबारक दिन है, तुम्हें क्या है, तुम पैंट शर्ट पहन के निकल जाओगे, मुझे खूबसूरत लगना है, मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, मैं पासपोर्ट ऑफिस जाता हूँ, तुम मुझे रजिस्ट्रार के पास मिलो। ठीक है। सुनो, एक घंटे बाद जाओगे तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों? अभी अभी तो कह रहे थे कि मैं जान हूं तुम्हारी। डम कंबल में दंगे। बुलाया दादा? हाँ भाऊ, मैं घर जा रहा हूँ। दादा वो छिड्डा आने वाला है ना? हाँ, तुम मिल लो उसे, वो गैम्बलिंग वाले कमीशन बढ़ा के मांग रहे हैं। 15% करो। अचानक घर? देवी शादी कर रहा है कोर्ट में, अभी अभी उमा का फोन था, गुस्सा है मुझ पर, बताया नहीं, हम जा रहे कोर्ट। भगवान जी साहब, बैग ले। 5 मिनट। क्या हुआ? जरा टॉयलेट होके आता हूँ, सवेरे से पेट खराब है। जो सॉरी सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल जल्दी में नहीं हूँ। बस 2 मिनट और सर। एक फोन कर लूँ? अरे ये भी कोई पूछने की बात है सर, प्लीज। हेलो। हेलो, मिल गया पासपोर्ट? मिल जाएगा, तुम रेडी होगी? रेडी, देखोगे तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है, तो तुम रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचो। जी ठीक है। तुझे ठीक नहीं लग रहा तो चाबी मुझे दे, मैं चला लूंगा गाड़ी। नहीं नहीं, चला लूंगा मैं। चलो। दादा 2 मिनट जाके आऊं? तू जा, मैं चल लूंगा गाड़ी, तो आराम कर, जा। पूरे शहर में हंगामा हो गया है, कालिदास ठाकुर का गेम हो गया है। क्या? अबे चूतिया, तुझे सुनाई दे रहा है ना, मुझे 50 कट्टा चाहिए, 50 कट्टा अभी के अभी, 1 घंटे के अंदर। साले कुछ छोड़ूंगा नहीं। हेलो भैया को फोन दे। डॉल डॉल, देवी देवी देवी, हेलो देवी, तू कहाँ है, तू घर जल्दी आ। भैया बाबा क्यों नहीं सही है? अरे वो सही है, अरे वो मदर चोद दिको सने। सुन, इंस्पेक्टर शिन्या ने कहा है कि घर के आदमी घर में ही रहना चाहिए, सेफ रहेंगे। तू वापस आ। अरे बाबा कहाँ है? बड़े हॉस्पिटल में। तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? अरे अभी अभी घर आया हूँ। तू वापस आ, हमारा आदमी है वहाँ पे। अच्छा एक काम करो, किसी को रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दो। अरे ठीक है, मैं भेज दूंगा यार, तू तू घर आ जा। हेलो हेलो देवी, अरे साले को फोन लगा, फोन लगा। अरे लगाएगा कहाँ वो, पासपोर्ट ऑफिस, फोन लगा, फोन लगा, किसी को भेजो, पासपोर्ट ऑफिस भेजो ना भाव। सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना 2-3 दिन में? हाँ 2 दिन में भिजवा देंगे, उसका कुछ टेंशन मत लो। पोस्ट से हाँ, पोस्ट से भिजवा। परी कहाँ रह गए देवी? पता नहीं, ट्रैफिक में अटक गए होंगे। तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। पता नहीं अब्बू, मुझे बस इधर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचने बोला।
सिस्टर। यस। कालिदास ठाकुर का कमरा कहाँ है? मैं। अरे उनका कमरा कहाँ है? मैं। घबराइए मत, मैं उनका बेटा हूँ। 207 स्पेशल वार्ड। 207। हाँ। अरे सुनो। यस। वो हमारे आदमी लोग थे, वो कहाँ हैं? थे, पर उन्हें तो पुलिस ले गई। शिट। एक मिनट, ये क्या दे रहे हो आप? वो पेन किलर। बाबा का ब्लड प्रेशर ठीक है? हाँ। कितना है? मैं देख रहा हूं, सामने ही है। कुछ मैनर्स है कि नहीं? आप नॉक करके अंदर नहीं आ सकते? जब तेरा बाप जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा होगा ना, तब देखूंगा तेरे मैनर्स का है। देखिए आप फोन नहीं कर सकते। Shut up। आप हो कौन? अरे देवी तू है कहाँ? मैं हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ पर अपने आदमी मिले? यहाँ कोई नहीं है, सबको पुलिस वाले ले गए और अभी भी बाबा को मारने की कोशिश हुई है। तू रुक, तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। साले मदर चूत, बाबा को अगर कुछ। सलाम सर। किधर है? ऊपर। गुड इवनिंग सर। यस। मैं यहाँ का सीनियर डॉक्टर हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरे फादर हैं एडमिट और। क्या नाम है? कालिदास ठाकुर। सो? अभी भी उन पर अटैक हुआ है और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। राष्ट्रपति है क्या तेरा बाप? हाँ? साला चूतिया 2% का गुंडा, उसे हम सिक्योरिटी देंगे? तमीज से बात करिए साहब। नहीं तो क्या करेगा तू? तमीज से बात करिए सर आप। बोलना क्या करेगा तू? पुलिस पे हाथ उठाएगा? चल हट। कितने में बिका? क्या बोला तू? कितने में बिका? तेरी तो, तेरे बाप ने खरीदा है क्या मुझे? ए, हाथ मत लगा उसे। पुलिस वाले को पिस्तौल दिखाता है। रुक जाइए सर। शिंदे तू यहाँ क्या कर रहा है? सर कमिश्नर साहब का ऑर्डर है, कालिदास ठाकुर को राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी देनी है। अच्छा, तो इन चूतियों को अब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी हमको? ए गंडो, आंखें मत दिखा। जिस दिन मौका मिला ना, तुम दोनों को बीच बाजार में ठोक दूंगा साले। चाटो, इन चूतियों के तलवे चाटो। तेरा खून निकल रहा है भाई। मैं ठीक हूं। बाबा को शिफ्ट करना है अभी के अभी। सर प्रैक्टिकली सोचिए, पॉसिबल नहीं है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है उन्हें अभी। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ शिफ्ट करना है सर? नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में एक ही सिस्टम है। कल सुबह तक दोनों लग जाएंगे, शिफ्ट करो भी। डॉक्टर अब कैसे है वो? कोमा में है, लेकिन फिलहाल जान को कोई खतरा नहीं। सलाम वालेकुम। रंजीत देखो कौन आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अनवर चाचा?
अरे बेटा मैं हॉस्पिटल गया था तो मुझे पता लगा मालिक को यहाँ ले आए हैं तो मिलने चला आया। कैसे हैं अभी? जिंदा है। हे अल्लाह, लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्र है। कहाँ है? घर के लोगों के सिवा बाबा से कोई और नहीं मिल सकता। मैं गैर हूँ? वो खुदा है मेरे लिए। खुदा से गद्दारी कर ली अनवर चाचा? क्या बोला? बाबा की चिंता तुम्हें यहाँ ले आई? वो जिंदा है इस बात का डर? अगर एक लफ्ज और बोला ना तो जान ले लूंगा मैं। अनवर चाचा, किसकी जान लेना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, गलती होगी बेटा, मैं उस समय होश को बैठा। होश ठिकाने आ गए हो तो जाइए यहाँ से। अरे चाचा देखो बेटा, आप कब आए? मैं अभी आया, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो आओ ना। हाँ। अनवर बाबा से नहीं मिल सकता। अनवर चाचा शैला। हाँ, इसी अनवर चाचा ने अभी रणजीत के सर पर बंदूक तानी है। गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ शैला बेटिया। शर्मिंदा मत करो चाचा, अब आओ। अनवर बाबा से नहीं मिलेगा। मुंह तोड़ दूंगा शैला। तोड़ दो मेरा मुंह, लेकिन ये गद्दार बाबा से नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? देवी, मैं एक बार मालिक से मिलना चाहता हूँ, शैला बिटिया मना कर रही है। बाबा ठीक है अनवर चाचा, अब घर जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। देवी क्या कर रही हो? रंजीत की ये घिनौनी हरकत देवी को बता तो दूं? देवी था वहां पर। क्या अब्बू? जो कुछ हुआ उसके सामने हुआ। और उसने कुछ नहीं कहा? उसने कहा घर जाइए। राम शांत हो जाओ। कल सवेरे तक फकीर और डिकोस्टा सिंधा नहीं रहना चाहिए भाऊ, कुछ भी कराना, जितना पैसा लगे, जितने आदमी लगे, वो दोनों मुझे कल चाहिए। इतनी आसानी से वो नहीं मिलेगा। क्या? देखो भैया, डिकोस्टा और फकीरा ने सोचा नहीं होगा इस हरकत का क्या नतीजा होगा। उन्होंने जो किया पूरी प्लानिंग से किया। तो क्या करे? चूतियों की तरह इंतजार करे? हाँ, मरेंगे दोनों, बस सही वक्त आने दो। और ये वक्त कब आएगा? भैया बाबा की कही हुई एक बात याद रखना, जल्दबाजी और गुस्से में उठाया हुआ हर कदम सिर्फ मौत और बर्बादी लाता है। बाबू, डिकोस्टा और फकीरा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठाए। कोई हमारा आदमी उससे मिला हुआ है। बंडा, बंडा साला बिका हुआ है और वो साला दो दिन से दिखा भी नहीं है। नहीं रंजीत, बंडा को दादा ने इस काम पे लगाया था, ये जानने के लिए कि फकीरा और डिकोस्टा के प्लान्स क्या है। एक बात बताओ बाबू, उस दिन बाबा की मीटिंग थी ना, कैंसिल की थी दादा ने। क्यों? वो तुम्हारे शादी में जो पहुंचना था। मेरी शादी के लिए वो अचानक निकल जाएंगे, इस बात की खबर उनको कैसे हुई? क्योंकि जैसे वो नीचे उतरे उसी वक्त उन पर हमला हुआ। बैड लक और क्या। उस दिन बबन का पेट खराब नहीं होता तो दो घंटा पहले ही दादा पहुंच चुके होते। क्या, किसका पेट खराब था? बबन अपना ड्राइवर। थोड़ा सा लो ना, अभी कौन आया?
का मंदा कैसी तू? अरे तू कैसे उड़ा रहा त्रिपोत्या? अरे बबन का हाल पूछने आया। हाँ किधर है? है ना, खाना खा रहे, आ जा। अरे ये देख का है बबन भाऊ, का चलो? अरे क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रहा है? सब सब मेरी वजह से, मेरी वजह से दादा को गोली लगी, उसी दिन पेट खराब हो गया। ठीक है ठीक, अब जो हुआ सो हुआ, दादा भी ठीक है, अब रो मत। रामदास बोला ना जाके बबन का हाल पूछ के आ। दो दिन में आ जाऊंगा, दो दिन नहीं नहीं नहीं, अभी तेरे को आराम करने का। रामदास बोला अभी इसको आराम करने का है। अरे वाह मंदा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाओगी? हाँ नेकी, और पूछ पूछ। अभी लेके आती हूँ मैं। क्या बोलता क्या डॉक्टर? दवाई चालू है। अरे चिकन चलता है इसको? हाँ वो डॉक्टर बोले घर का खाना थोड़ा थोड़ा खा सकता है वो। अच्छा हाँ। कैसे बना है? थोड़ा तीखा है पर अच्छा है। हमें पानी लेके आते हो? भवन तेरा नसीब भी देखना, गलत टाइम पे तेरा साला पेट खराब हो गया। तेरा पेट अगर खराब नहीं होता ना तो सब होता ही नहीं। वही बोल रहा था, इसीलिए पेट खराब हो गया। सारी मुसीबत की जड़ ये पेट ही है। कितना पैसा मिला फकीरा से? कौन फकीरा? कितना पैसा मिला फकीरा से? 5 लाख। पांच लाख में तेरा गुजारा हो जाएगा आराम से। जवान है तू, दूसरी शादी कर ले। दादा हमेशा बोलता है जरूरत से ज्यादा भूख आदमी का दिमाग खराब करती है। क्या खराब करती है? भाऊ बब्बन इतना होशियार नहीं था। होशियार होता तो जिंदा होता। अन्ना आ? बब्बन को अनवर चाचा नहीं रखा था ना काम पे? कहना क्या चाहती हो भाभी? नहीं पैसा अच्छे अच्छों की नियत खराब कर देता है ना देवी। जुबान बहुत चलती है तेरी, चल अंदर चल चल। अच्छा बाबा अनवर चाचा खुदा है। मुंह बंद कर अपना। क्यों सच कड़वा लगा? शलम है तुम्हें? राम ये मेरा घर है, बदतमीजी कर रहे हो। और शैला बेटी एक बात ध्यान से सुन लो, अनवर भैया से ज्यादा वफादार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। भाव मंडिया का कोई खबर मिला? क्या हुआ भाव? सुबह किसी ने फोटो भेजा था घर पे। अच्छा तो क्या था उसमें? धड़ से अलग बंडे का सर। मदर चोद उनकी तो राम अपने मुंह पर काबू रखो। बाबू इंस्पेक्टर शिंदे से कहना कि हम फकीरा और डिकोस्टा से मिलना चाहते हैं। ये शिंदे क्या करेगा? अस्पताल में जो एसीपी दयाल था वो हमारा संदेश था उस तक पहुंचाएगा। है? उनसे कहना एक खून खराब है और दुश्मनी को हम खत्म करना चाहते हैं। हम उनकी सारी शर्तें सुनने के लिए तैयार हैं। चूतिया हो गया क्या तू? हाँ? वो कुत्ते के सामने हम दोस्ती का हाथ बनाएंगे? सांप अगर बिल से बाहर नहीं आएगा तो उसे कुचलेंगे कैसे? अरे ऐसा है तो बिल में घुस के मारेंगे सालों को। रंजीत बैठ जा, बैठ बैठ। बाबूजी पे देवी
मुझे मंजूर नहीं है। राम, अगर तुम्हारे बाबा होश में होते तो वो भी यही सोचते जो देवी ने सोचा है। बहू, बात करिए उनसे। मेरे पति का यार हमारा कहाँ गई थी बेटा? परी, रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दो अब्बू। क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? मैं प्रेग्नेंट हूँ अब्बू। अब्बू क्या कर रहे हो? होने वाले बच्चे के बाप को ये खबर तो दे दूं। अब्बू, होने वाले बाप ने 8 दिन से फोन तक नहीं किया है मुझे। मालिक की तबीयत खराब है। आप भी तो 5 वक्त की नमाज में दुआ मांग रहे हो उनके लिए, हमें भी तो फिक्र है दादा की, लेकिन क्या मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं हूँ? भैया, परी को बहुत मिस कर रहे हो ना? कई दिनों से उससे बात भी नहीं की है रत्ना। शादी थी उस दिन हमारी, फोन लगाऊं उसको? तू जानती है उसे, बात नहीं करेगी मुझसे, बहुत गुस्से में होगी। ले आओगी उसे? अस्सलाम वालेकुम अनवर मियां। वालेकुम सलाम। हाँ, आज राणा की सवारी इस तरफ। तुम्हारा हाल पूछने आ गया। तशरीफ रखें। बड़ी जल्दी याद आई हाल पूछने की। राणा, मैं भी बहुत सालों से इसी धंधे में हूं और अच्छी तरह से जानता हूं, बिना मतलब राणा करवट भी नहीं बदलता। तुम्हारी इसी सोच की मैं कदर करता हूं। मतलब की बात करें? सुना है, जिस आदमी के लिए तुमने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, उसके घर से बड़ा जलील करके निकाल दिया तुम्हें। राणा, खुदा के घर में अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोग भी होते हैं। चलता है। बेवकूफ हो तुम। कालिदास के लिए कुत्ते की तरह वफादारी की, बदले में क्या मिला? मेरी औकात से बहुत ज्यादा। सुनो अनवर, मैं और काली जब मुंबई आए थे तब तय किया था कि मुंबई पर राज करेंगे। मौका मिलते ही वो राजा की कुर्सी पर बैठ गया और मैं रह गया प्रधान। उनकी हैसियत थी राजा बनने की, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। उसके राजा बनने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा था, तुम्हें क्या मिला? मेरे साथ जुड़ जाओ, जो भी कमाएंगे बांट के खाएंगे। मेरा एक उसूल है राणा। मैं घर आए मेहमान को जलील नहीं करता हूं। तुम्हारी आने वाली पुश्तें बैठ कर खाएंगी, इतना कमाएंगे। मुझे उसूल तोड़ने पर मजबूर मत करो राणा। ठीक है, एक बात और। जोखिम ले रहे हो? वो तो हमारी पुरानी आदत है। बोलो। मेरे भतीजे बॉबी को जानते हो? उसको कौन नहीं जानता। परवीन की शादी बॉबी से कर दो। दुनिया में मर्दों का अकाल पड़ गया जो परी की शादी में बॉबी से कर दूं? सोच लो, पेट दिखने लगेगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा हाफिज। जिंगल बेल्स,
सेंटा क्लॉज इज कमिंग टू टाउन ऑन अ वन हॉर्स ओपन राणा अंकल अनवर चाचा के घर क्या कर रहे हैं मेरी बहन की सोच बिल्कुल सही होती है रत्ना बस तुम्हारी घर वालों को उसकी कदर नहीं है अरे तुम लोग सब अनवर चाचा के पीछे क्यों पड़े हो यार भैया मैं भी तो थी ना वहां पे राणा अंकल अनवर चाचा से मिलने क्यों गए थे अरे जग बनने गए थे यार इस मुद्दे पर और एक भी बात सुनना नहीं चाहता हूं मैं पता नहीं अनवर चाचा ने सब पे क्या जादू करके रखा चला चुप चुप कर भैया अन्ना जाओ और अनवर चाचा को इसी वक्त यहां ले आओ और भाभी अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि अनवर चाचा गद्दार हैं तो मैं उसी वक्त उनकी जान ले लूंगा तभी तो पागल अन्ना ठीक है हेलो इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूं हाँ एक मिनट इंस्पेक्टर शिंदे बहु हाँ बोलो शिंदे बहु आज रात को 8 बजे फकीरा और डिकोस्ता डिकोस्ता के घर पे मिलेंगे ठीक है और रेसिपी दयाल हाँ वो भी वहां होगा बहु और एक बात फकीरा चाहता है कि मीटिंग में रामदास नहीं देवीदास आए क्यों उनका कहना है कि रामदास गरम दिमाग का आदमी है थोड़ा जज्बाती है देवीदास सेंसिबल है बात को समझ लेगा ठीक है क्या हुआ भाऊ शिंदे क्या बोला वो कह रहा था कि रात को 8 बजे डिकोस्टा के घर में डिकोस्टा और फकीरा दोनों मिलेंगे एक घंटा बाकी है पोतिया रेडी हो जाए चल निकलना पड़ेगा नहीं राम नहीं अच्छा वो लोग चाहते हैं कि मीटिंग में तुम नहीं सिर्फ देवी हो उनको बोलो भैया अगर वो चाहते हैं कि मैं जाऊं तो मैं जाऊंगा देवी भाई तू इसमें इन्वॉल्व मत हो यार ये तेरा काम नहीं है लेकिन जो ऊपर सोया हुआ है ना वो मेरा भी बाप है हमारा प्लान था उन्हें मारना फर्क क्या पड़ता है बड़ा भाई मारे या छोटा अनवर चाचा को कब बुलाए कल बुलाए क्या नहीं भाभी सारे हिसाब किताब आज ही होंगे कल पर कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा अन्ना पोतिया तुम दोनों मेरे साथ चलोगे भैया किसी को भेजकर अनवर चाचा को बुला लो मैं जाता हूं क्या हुआ परी अब बहुत डर लग रहा है अब देवी हमें भूल तो नहीं गया ना ऐसा नहीं सोचते बेटा देवी बहुत नेक लड़का है अभी थोड़ी मुश्किलों में फंसा है अल्लाह पे भरोसा रख रंजीत इस वक्त देवी ने बुलाया है अबू 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ सिर्फ अनवर चाचा को बुलाया है अबू नहीं आएंगे मैं जानता था मैं आऊंगा रुको अबू आप कहीं नहीं जाएंगे हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल
ऊपर। अबू प्लीज मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अबू प्लीज। देख बेटा, तेरा अबू अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं किसी से डरूं। लेकिन वो कमीना है अबू। फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ देवी, बैठो। कैसे हो? ये फकीरा है, एसीपी दयाल। इनसे काफी अच्छी मुलाकात हो चुकी है। आई एम सॉरी यार देवी, दैट वाज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। Don't mind यार। इसका यहां रहना जरूरी है शबीर? कहो क्यों? Your business देवी, nothing personal। सुन रहा हूं। ड्रग्स में बहुत पैसा है। बाबा ने तुम्हें ड्रग्स करने से कभी मना नहीं किया। तू जानता है तेरे बाप का गुरूर कितना बड़ा है, उसके रहते ये धंधा करना नामुमकिन है। मुद्दे की बात करें? हम ड्रग्स करेंगे। बाबा अभी जिंदा है, इसलिए तुझे बुलाया है। कन्विंस कर उसे, वी वॉन्ट योर अनकंडीशनल सपोर्ट। अच्छा, अनकंडीशनल? प्रॉफिट में से 20% तुम्हारा। पहले तो तुमने 40% ऑफर किया था। अब हालात बदल चुके हैं। मतलब ठाकुर परिवार अब कमजोर है? जी। और तुम्हारे सभी धंधों में से हमें 10% का शेयर चाहिए। हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत नहीं है फकीरा। दैट मेक्स गुड बिजनेस सेंस। वैसे भी मीटिंग तुमने बुलाई है, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब ज्यादा सोच मत देवी, डील मान लो और बात खत्म कर दो। और हाँ, तुम्हारे बाप का बाल भी बाका नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अनवर चाचा, मांगते तो दादा भी पैसे दे देते। मतलब फकीरा और डिकोसा जैसे कुत्तों से पैसे लेने की क्या जरूरत थी? तुम अगर मालिक के दामाद ना होते, यही ठोक डालता तुम्हें। सॉरी। हाँ सॉरी। जॉनी जॉनी, यस पप्पा, टेलिंग लाइज, नो पप्पा। कितने लिए ये तो बता दो। मुझे जो कुछ कहना है मैं मालिक से कहूंगा। बेहोश है तुम्हारे मालिक? कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं उनकी सेहत के लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर तुम तब रहोगे। कुछ कहोगे नहीं? काफी प्रेडिक्टेबल हो तुम लोग। मुझे लगा था तुम मुझे सरप्राइज करोगे, कहोगे जो हुआ उसका हमें अफसोस है, हमें हमारी गलती का एहसास हुआ है, और मैं मेरे इरादे से मुकर जाऊंगा। सॉरी मैं गलत था, तुम सब एक नंबर के चूतिए हो। रिलैक्स फ्रांसिस, रिलैक्स। तू बोल बच्चा, बोल। फकीरा मेरे यहां आने का एक ही मकसद था, टू किल ऑल 3 ऑफ यू।
ये सब के पीछे दिमाग तुम्हारा है। तुम्हारे सर में गोली मारूंगा। डिकॉस्टा, बाबा ने कई बार तेरी मदद की। वो तेरा ड्रग एडिक्ट भाई, उसे मोलेस्टेशन केस से बाहर किया, उसे दुबई जाने में मदद की। तू एहसान फरामोश है, तेरे सीने में गोली मारूंगा। शबीर, देवी, हमने रामदास को यहां इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो सरफिरा पागल है, सोचता नहीं है। तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचते हो, पर तुम तो रामदास से भी बड़े चूतिए निकले। यू साइंड योर ओन डेथ वारंट। शबीर, किल हिम। तू मेरा बाल भी पांखा नहीं कर सकता। तुम्हें वाकई लगता है तुम बच जाओगे? तुम तो मारे जाओगे और एक हफ्ते में ठाकुर खानदान को खत्म कर देंगे। डिकॉस्टा, डेड मैन डोंट किल। बहस बंद करो। शब्बीर जो कहा है कर। सुन फकीर, सुन, 5 देके तूने बबन को खरीदा ना, है ना? ये 25 में देखा। ए, रुक रुक, सही किया आपने, एकदम सही किया। ये आपने बहुत सही किया, बहुत सही किया। मैंने कहा था इन दोनों को, दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। माने नहीं, चूते ओवर कॉन्फिडेंट थे ना। लेकिन बहुत सही किया आपने, मैं आपके साथ हूं। मैं बहुत सही किया आपने। बीमारी से छुटकारा चाहिए ना? जी जी। तो सारे वायरस नष्ट होने चाहिए। बिल्कुल। बाद में एक वायरस भी जान ले सकता है। सही। साहब, मेरे 25 लाख। मेरे बाबा कहते हैं कि दियो है वक्त और जुबान से मुकर्रर नहीं चाहिए। सुबह तेरे 25 लाख पहुंच जाएंगे। जी। मेरे बाबा एक बात और कहते हैं कि एक बार बिके हुए आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पिटर चलिया, निकाल इसको, कैसे निकाल? जल्दी कर पिटर, जल्दी कर, जल्दी कर। पिस्तौल अच्छा है, मुझे दे दो ना। मुझे चूतिया समझा गया। मैंने कहा था ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूं।
गद्दार होते तो मैं मारता उन्हें। मैं क्या करता देवी, बीच में गाड़ी रोककर पेशाब करने बोला, उतरते पीटर को गोली मार दी और भागने लग गया साला। तो भागने दिया होता उन्हें, तो भागने दिया होता उन्हें। मैं डर गया देवी, रोक के गोली मार देते तो। तब चलानी थी गोली। तुम क्या चाहते हो, अनवर चाचा के लिए मेरा भाई मर जाए? तुम्हारी बहन को विधवा करना चाहते हो क्या? गलत है ये, गलत है ये। एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। सुनो परी, बाबा पर जिन्होंने हमला किया, अनवर चाचा उनसे मिले हुए थे। पीठ पे गोली मारी थी, पीठ पे। पीटर को गोली मारकर भाग रहे थे अनवर चाचा। देवीदास ठाकुर, मैं रोज दुआ करूंगी कि तुम्हारे बाप को जल्दी होश आ जाए, और जब होश आए ना तब तुम उनसे पूछना कि अब्बू ने कभी पीठ दिखाई क्या। और जब तुम्हें एहसास होगा ना कि तुमने मेरे अब्बू से दगा किया है, तब मैं खत्म कर दूंगी सबको, समझ गए देवीदास ठाकुर? सुनो, छूना मत मुझे। मेरे पेट में जो तुम्हारा बच्चा है ना, उसकी कसम खाती हूं, सबको खत्म कर दूंगी मैं। परी, हेलो, इंस्पेक्टर शिंदे बोल रहा हूँ। रामदास को फोन दे अर्जेंट। डॉन, शिंदे का फोन है। हाँ बोल शिंदे। देवीदास को इसी वक्त घर से निकालो, पुलिस आ रही है उसे उठाने। क्यों? उसने एक पुलिस वाले को मारा है। ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, निकलो जल्दी वहाँ से। गाड़ी निकाल। अरे हुआ क्या? लेकिन गाड़ी निकाल लेकिन बोल देवे, देवे! अन्ना, चल बता दे कहाँ है देवीदास। इधर नहीं रहता साहब, सिंगापुर में रहता है। ढेड़छाला बनता है यार, ढेड़छाला बनता है, सीधा खड़ा रहा। इंस्पेक्टर बोला, देख तेरा वकील बोला। हाँ वकील बोला, मुझे सर्च वारंट देखना है। नहीं देख रहा था, जा उखाड़ ले जो उखाड़ना है वो। चला ठीक। वो साहब अब ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर दादा सो रहा है। अच्छा, तेरा दादा गवर्नर है जो ऊपर सो रहा है? हैं? गवर्नर है? बहनचोद, गवर्नर है?
साहब आप बराबर नहीं कर रहे। तो गवर्नर यहां पर सो रहा है, कहां है तेरा बेटा? वो यहां नहीं रहता। अब वो इस दुनिया में अभी नहीं रहेगा, सुना क्या रे? ए गवर्नर, तेरा बेटा अब इस दुनिया में अभी नहीं रहेगा, सुना क्या? क्या देख रही है आंख फाड़ फाड़ के बुढ़िया? आंखें निकाल लूंगा। सर वो कहीं नहीं है। तेरा बेटा अगर पाताल में अभी छुपा होगा ना, तो उसे ढूंढ के निकालूंगा और टुकड़े कर दूंगा उसके। यादव साहब, रिपोर्ट लिख। पुलिस को अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा था ये कुत्ता, पुलिस पर अटैक किया, इसीलिए मजबूरन गोली चलानी पड़ी। I want him. I want that son of a bitch. देवीदास ठाकुर गायब हो गया है, पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। पुलिस से पहले मुझे चाहिए वो। He killed Francis. He killed my brother Rana. I want to skin him alive. एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी भूख बहुत बड़ी है। पोतिया भाई अभी ठीक है, बेल हो गई उनकी। पैर ठीक है उसका? हाँ, डॉक्टर ने कहा 1-1.5 महीने बाद चल पाएंगे। मुझे भी बात करनी है। पुलिस अभी भी तकलीफ दे रही है? नहीं, भाव ने कमिश्नर से बात कर ली है। अच्छा, तुम ठीक हो? हाँ। रत्ना वो परी का? नहीं भैया, परी के घर का फोन अभी भी बंद है। माँ से बात करोगे? नहीं, कल बात की थी, फिर रोने लगती है वो। मुझे बात करनी है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। अरे अरे दो ना, अरे फोन क्यों रखा? मुझे भी बात करनी थी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मैंने कहा था ना मुझे बात करनी थी। फोन टैप्ड है रंजीत। अच्छा, तुम बात करोगी तो खतरा नहीं है, मेरी बात करने से तकलीफ है। फोन लगाओ उसे। सैटेलाइट कॉल था, हम नहीं लगा पाएंगे। इस घर में सब मुझे गैर क्यों समझते हैं? ऐसी बात नहीं है रंजीत। सॉरी, कल फोन आएगा तब बात कर लेना, ठीक है? है कहाँ देवी? पांडे जी, माँ बताती हैं कि ठाकुर खानदान पे आपके काफी एहसान है। शर्मिंदा मत करो, आज मैं जिंदा हूं ना वो सिर्फ आपकी पिताजी की वजह से। वैसे कैसी तबीयत है उनकी? अभी भी कोमा में है। और पुलिस का क्या हालचाल है? परेशान तो बहुत कर रहे हैं वो अभी भी। पर एक बात बोलूं देवी, असली आस्तीन का सांप राणा है। पांडे जी, राणा का बस चले ना तो यहां पर भी हम पे हमला करा देगा।
माँ जी, बाबू जी को होश आ गया। रंजीत भैया, भाभी जल्दी आओ। बाबा देवी, बाबा पर जो हमला हुआ था वो फकीरा और डिकोस्टा ने किया था। वो एसीपी दयाल भी उसके साथ मिला हुआ था। उन तीनों को मार दिया बाबा। देवी का देवी नहीं मारा उन तीनों को। बाबा, एसीपी दयाल एक घटिया इंसान था, लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर था, और अगर हम एक पुलिस ऑफिसर के हत्यारे को जिंदा छोड़ देंगे तो ये पूरे डिपार्टमेंट की जान को खतरे में डालना होगा। अरे आज इनके बेटे ने हिम्मत की है, कल कोई और करेगा। कमिश्नर साहब, मेरे बेटे ने गलती की है, क्या करे। एक बेटा अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाया, कुछ कीजिए कमिश्नर, मैं मेरे बेटे को वापस लाना चाहता हूँ। कालिदास देखो, मैं आप कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूं। Sounds difficult. I don't know. Commissioner. Not possible. कीजिए कुछ। Okay. 4 crore. 4 crore. Final 3.5. Commissioner साहब, मेरे बेटे की जान की कीमत इतनी कम नहीं हो सकती। मैं 5 crore रुपए दूंगा, और यहां आने के बाद उसका बाल भी बाका नहीं होना चाहिए। देखो काली, पुलिस छुएगी भी नहीं उसको, पर डिकोस्टा का क्या? वो छोड़ेगा उसको? जो हुआ गलत हुआ, उसका असर हम सबके धंधे पर हुआ है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना है। कालिदास सबसे बात करना चाहता है। मैं मेरे बेटे की ओर से सबकी माफी मांगना चाहता हूं। रॉनी, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत तुम्हारे भाई फ्रांसिस ने और फकीरा ने की थी, लेकिन मैं यह सब भूलने के लिए तैयार हूं। ड्रग्स के बिजनेस में मैं जो भी मदद कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार हूं। कालिदास, फक यू। अबे चूतिए। हे रामदास, रानी, हम यहां सुलह करने आए हैं। सुलह? सुलह नहीं होगी राणा अंकल। कालिदास, हम ड्रग्स करेंगे, हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं बस एक बात जानता हूं, देवीदास ने मेरे भाई को मारा, वो भी मरेगा। देख रोनी, इसमें हमारा ही नुकसान होगा। जो भी हो, देवीदास जिंदा नहीं बचेगा। शट अप पॉली। आई वोंट। राजस्थान में वो कुत्ता बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। अगली बार इस बुड्ढे को और इस चूतिये को साथ में ठोक डालेंगे। रोनी, ये हद से बाहर जा रहा है। जा रहा हूं, क्या फाड़ लेगा ये पावलो? शट द फक अप। देख पावलो, क्या है? और किसी को कुछ कहना है? काली, अपने बेटे को बुला लो। रॉनी, कालिदास तुम्हें ड्रग्स के धंधे में मदद करेगा, उसके बदले में रॉनी तुम उसे 20% शेयर दोगे, और कालिदास के सारे धंधों में 20% शेयर हम सबको मिलेगा।
ये किसने तय किया है? मैंने। किसी को कोई एतराज है? थैंक यू। राणा अंकल, मार दिया उसे? जरूरी था रॉनी, जरूरी था। बाबा, देवी, नहीं बाबा, बेटा हूं आपका। आओ बैठो। परी शादी कर रही है? भैया ने बताया बाबा। रुक तो उसे। उसने कसम खाई है कि पूरे ठाकुर खानदान को खत्म कर देगी। और जो पेट में ठाकुर है उसका क्या? परी भी अपने बाबा से उतना ही प्यार करती है जितना मैं आपसे करता हूं बाबा। बाबा, ये सारा षड्यंत्र उस राणा ने रचा है। जानता हूं, वो दिखाना चाहते कि वो हम सबसे ताकतवर हैं। बाबा, एक गोली उसके सर पे मारेंगे ना, उसकी औकात उसके समझ में आ जाएगी। भैया, अगर लंबा जीना चाहते हो तो दुश्मन की इज्जत करना सीखो, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। तू क्या बोल रहा है चुतिया? सही कह रहा हूं। आगे चलकर हम सारे इलीगल धंधे बंद कर देंगे बाबा। क्या, क्यों? क्योंकि लीगल में ज्यादा पैसा है और रिस्क भी कम है। बट बाबा, सब बना बनाया। रंजीत, सावंत, आज के बाद हमारे सारे धंधे के फैसले मैंने देवी लेगा, और आहिस्ते आहिस्ते हम सारी इलीगल एक्टिविटीज बंद कर देंगे। अरे वाह, हमें तो वीजा भी मिल जाएगा। फिर फुल फैमिली पिकनिक सिंगापुर। एक नंबर का चूतिया है तुम्हारा पति। साला, ये सोचकर मैंने रत्ना से शादी की कि धंधे का सारा कंट्रोल हमारे हाथ आएगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से ये सब जाने तो नहीं दूंगी। क्या करोगी तुम? तुम्हारा पति तो सबके सामने दुम हिला रहा है कुत्ते की तरह। वीजा मिलेगा, सिंगापुर जाएगा, फैमिली पिकनिक बनाएगा, चूतिया साला। या भाई ना, परवीन, देवी आ रहा है। दिस बास्टर्ड शुड नॉट बी अलाइव। रॉनी, हर चीज का एक सही वक्त होता है, राइट टाइम। तब एक ही वार करेंगे और पूरा ठाकुर खानदान खत्म। कांग्रेचुलेशंस परवीन।
कॉन्ग्रेट्स परी। थैंक यू बॉबी। हे कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। आता हूँ। हाय आई एम बॉबी। बॉबी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छी लग रही हो। एक और खुशखबरी दूं। आई एम गोइंग टू बिकम अ फादर। बॉबी। यस अंकल। कम हियर। मैं अभी आया। आई विल जस्ट कम। यस अंकल। बॉबी सनी अकेला हो गया है। आई विल जस्ट जॉइन हिम। सुना है कालिदास ठाकुर को होश आ गया है। पूछा उनसे अब्बू के बारे में। देखो परी पैसा अच्छे अच्छों की नीयत बदल देता है पर जमीर नहीं। अब्बू की कसम बहुत सुकून मिलेगा जब आप सबको मारूंगी। क्या देख रहे हो साला हैंडसम है ना देवी। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। भैया हमारे गैम्बलिंग और लिकर के धंधे को संभालने वाले को हम कितना शेयर देते हैं। अरे मेरे को क्या मालूम। 15% 25 कर दो। गलत है ये देवी। दिल के ग्रीडी लेटर। जब होगा तब देखेंगे। भाव उनसे कहना कि जितने भी पुलिस केस हैं खुद पे ले लें। ठाकुर परिवार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बनिए की दुकान खोलेंगे। रंजीत हम स्कूल और कॉलेजेस खोलेंगे। कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स होटल्स सब में इन्वेस्ट करेंगे। भाव जहां जहां जमीन मिले उसे खरीद लो। चुनी से कहना कि खुद के फिल्म प्रोडक्शन खोल ले। हम फाइनेंस करेंगे। हाँ और उस पिक्चर में मेरे को हीरो लेने का। हाँ ओके भाव। भैया आप लोनावला में जो होटल खरीदने वाले थे उसकी डील का क्या हुआ। हाँ उसका एग्रीमेंट अगले हफ्ते आ जाएगा। रंजीत उसे तुम चलाओगे। मैं कोई होटल नहीं चलाऊंगा। आई वॉन्ट टू बी वेयर द एक्शन इज। यू डोंट हैव अ चॉइस। ऑफ कोर्स आई हैव अ चॉइस। मैं सीधा बाबूजी से बात करूंगा। ए रंजीत फैसला हो चुका है। बाबा को तकलीफ मत दे। जबरदस्ती है क्या। मैं कोई होटल वोटल नहीं चलाऊंगा। इधर इधर इधर। और एक लफ्ज भी बोला ना तो खामखा मेरी बहन विधवा हो जाएगी। समझे बच्चू। चुतिया का क्या करे यार। वाह भैया अब सीरियस हो जाओ। परी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद लौटूंगा। अकेले। अकेले कहाँ सनी है ना साथ में। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय 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 बाय। चार्ली मेरा स्टार आ गया। You're crazy. Introduce करवा मुझे। Okay, come. कैसा है जुन्नी? Charlie यार। वही। कैसी चल रही है पार्टी? First class. Champagne अभी खोली। तू लेट हो गया मुझे लगा नहीं आएगा। तू फोर्स नहीं करता तो मैं नहीं आता। You know I don't like parties. Exactly my thoughts. He won't introduce you to me. I'm Chandni. Hi. तुम्हारी फिल्म की हीरोइन। मेरी कौन सी फिल्म? Oh come on, don't be modest. चार्ली मुझे सब कुछ बताता है। Oh my God, no. He's not my type. No, no, no. वैसे आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मैंने। तो डर नहीं लगा? डर? I'm fascinated. तुम यहीं खड़े रहोगे? चार्ली वो लड़कियां तुम्हारा वेट कर रही हैं। Of course. तू कहाँ जा रहे है? आता हूँ। चुन्नी? Okay. चलो मेरे साथ। I wanna talk to you. Come with me. I want to tell you something. क्या हुआ? मेरे साथ अकेले रहने में डर लग रहा है? Don't worry, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। Very funny. ठीक है,
मगर तुम इस मुलाकात को मजाक मत समझना. यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो. ओके, तो इसका मतलब है कि हमें बार बार मिलते रहना पड़ेगा. यू एम्बैरेसिंग मी. क्या लोगे? नो माइनर वॉइसेस. Misha, one scotch on the rock for me, please. Yes, ma'am. ये कौन आया? हमारी फिल्म का हीरो आ गया. तुम नहीं जाओगी? जब मर्द साथ हो तो चॉकलेट बॉय के पीछे क्यों भागो? आग से खेलने का बहुत शौक है तुम्हें. इश्क आग ही तो है. अब बस ये आग लगाकर तुम इसे बुझा मत देना. You are impossible. क्यों? Am I not attractive? You are very attractive. My body might say yes, पर इस वक्त मेरे दिल और दिमाग पर किसी और की हुकूमत है. क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो कौन है? हेलो परी, मैं बोल रहा हूँ. आई लव यू परी. एंड आई हेट यू. अरुण क्या है? बस इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ. और मैं इसी वक्त तुम्हें मारना चाहती हूँ. अभी आता हूँ तुम्हारे पास. मार दो मुझे. बस मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहता हूँ. बॉबी का बेटा ईशान बलविंदर राणा, तुम कभी मेरे बेटे का मुंह भी नहीं देखोगे और वो कभी अपने बाप की चिता को आग भी नहीं देगा. चलो, तुमने ये तो मान लिया कि मैं उसका बाप हूं. फक यू देवी. जीजू, मैं नई मर्सिडीज लेना चाहता हूँ. पैसे पेड़ पे नहीं उगते रंजीत, पहले कमाना सीख. मोटर बाइक खरीदने की औकात नहीं है तेरी. इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए तेरे को. रख रख फोन. तुम मेरे भाई के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो राम? इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए हमारे साले को. राम, उससे प्यार से भी बात कर सकते हो ना. वो मेरा भाई है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वो तुम्हारी बहन का पति भी है. बार चल. क्यों? अरे चल ना, मैं बोल रहा हूँ. आ ना बार, आजा आजा. कहाँ ले जा रहे हो राम? ये देख. ये क्या है? आज रक्षाबंधन है, रत्ना का गिफ्ट. हाँ, इंपोर्टेड गाड़ी से होटल जाएगा हमारा साला. वो हो तुम बड़े. ये क्या कर रहे हो रंजीत? सुबह सुबह पी रहे हो, शर्म नहीं आती? गेट लॉस्ट. बोतल रख रत्ना. तुम अब शराब नहीं पियोगे. ये तुम साले ठाकुर लोग मुझे ऐसे क्यों ऑर्डर देते हो जैसे मैं तुम्हारा बाप का नौकर हूँ? हाँ, ये मत करो वो मत करो. वो तेरा भाई है ना शाना, मेरे बहन का पति नहीं होता ना, वो काट डालता उस चूतिये को मैं. हम ठाकुरों को गाली मत दो रंजीत. मारा ठाकुर को, क्या करेगी? गाली मत दो ठाकुर. क्या दिख रही है? गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. आके नीचे. रत्ना, क्या हुआ? देखते देखते ना उसे इंपोर्टेड कार. अरे
पर हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा तू, हाथ उठाएगा? नहीं, अगर मेरे बहन पे उंगली भी उठाई ना साले, फाड़ के रख दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। ठाकुरों को खत्म करना है तो रंजीत हमारी मदद कर सकता है। वो कमीना है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। घर का आदमी है वो। राणा अंकल, इनसे कहो मैंने एक बार कहा रंजीत नहीं। राणा, आई एम नॉट हियर टू टेक ऑर्डर्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका इरादा बदल गया हो, या फिर देवीदास के लिए फिर से हमदर्दी जाग गई। अनवर की बेटी हूं, अगली बार गोली ग्लास पर नहीं लगेगी। किसे फोन लगा रहे हो? रंजीत। दादा अब बहुत हो गया, शहर में अब हमारी दहशत नहीं रही। पिछले हफ्ते हमारे दो लोगों को शूटआउट में मार दिया और रोनी चूतिया इतना। मैं जानता हूं पुत्या, मगर हम कुछ नहीं करेंगे। क्या? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। उन लोगों की कमर तोड़ने के लिए हम पुलिस की मदद लेंगे। अरे पुलिस क्या घंटा करेगी, वो नया एसीपी आया ना तड़पदे, वो उनकी गार्ड में घुस के बैठा है। मेरी कमिश्नर से बात हुई है अन्ना। हाँ दादा। अगले कुछ दिनों में कुछ ड्रग डीलर्स एनकाउंटर में मारे जाएंगे। पर्सनली हम गैंग वॉर से दूर रहेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अरे दादा ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो आज सबसे बड़ी पावर मसल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर है। देवी बिल्कुल सही कह रहा है, मैं रेडी हूं। आई विल हैव टू कॉन्टेस्ट। नहीं रंजीत, इस बार रत्ना सही रहेगी। आई अंडरस्टैंड, और मैं फिर उसका सेक्रेटरी बनूंगा, उसके कॉल्स उठाऊंगा। हेलो मैम सो रही है, मैम के लिए कोई मैसेज है? मैम चाय पियोगी, पानी पियोगी? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow, and everywhere that Mary went that lamb was sure to go। पूछ लाते हुए साला, जब भी कोई फैसला होता है मुझसे कुत्ते की तरह बर्ताव किया जाता है, क्यों बाबूजी? बहुत जबान चलती है तेरी। रामदास माफी मांगो उससे। बाबा वो रामदास सॉरी क्या दोसे? सॉरी चूतिए। शादी करो मुझसे। तुम जानती हो कभी नहीं हो पाएगा, तुम मेरी हमदर्द बन सकती हो, हम सफर नहीं। चांदनी तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मगर अफसोस मैं प्यार सिर्फ बड़ी से करता हूं। आई विश आई प्रे तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिले। माना कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, पर मेरी फीलिंग्स भी ना समझ पाओ, इतने नादान भी नहीं हो तुम। आज के बाद शादी का जिक्र नहीं करूंगी।
हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ, परवीन। वक्त इतना भी नहीं गुजरा मेरी जान कि तेरी आवाज भूल जाऊं। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई, प्यार जिंदा है अब तक। लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, वार्न करने के लिए फोन किया था। इस हमदर्दी की वजह? चांदनी से शादी मत करो। चांदनी? कौन चांदनी? अखबार खोलो, तस्वीर छपी है। उफ, जलन हो रही है मुझे। बस तुमसे शादी करेगी तो जल्दी विधवा हो जाएगी। हंस क्यों रहे हो? यकीन नहीं है मुझ पे? परी, मैंने सिर्फ तुझसे प्यार किया है, अगर तुझ पे यकीन नहीं होगा तो किस पे होगा? आके पहुंच लो परी। तुम्हारे आंख के आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम मुझसे अभी भी बहुत मोहब्बत करती हो। और मैं अभी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। सुन रही हो परी? पता नहीं माँ, सब जगह फोन ट्राई किया, कल रात से घर आया ही नहीं है। मैं, गाड़ी आ गई है, शायद आ गया, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, रणजीत, कहाँ थे तुम? तुमसे बात कर रही हूँ रणजीत, कहाँ थे तुम? कल रात से घर नहीं आए हो। I'm not answerable to you, baby. Fuck off! Hey, phone. Baby, कहाँ हो तुम? Hey, baby. Hey, baby, मेरा फोन। बहुत मिस कर रही हूँ। मेरे डार्लिंग, डार्लिंग का फोन है। Are you listening? किसके साथ सो के आया है तू? हाँ, सो के आया, क्या करेगी? तेरे भाई की तरह हाथ उठाएगी? बस हो गया ना, कितनी पियोगे? बाबा फोन। कौन है? रत्ना बेटी। इतनी रात के? हाँ बोल छोटी। भैया कमीना है, वो बहुत मारा भैया, बहुत मारा। कहाँ जा रहे हो? आज मारा तेरा भाई मेरे हाथ से, छुट्टिया सारा मरेगा आज। से ही पता था कि साले डिकोस्टा से भी बड़ा कमीना है तू। क्या करें, धंधा है, नथिंग पर्सनल। चूतिया जिंदा रहेगा? हाँ, 10 दिन में सारे ठाकुर मरेंगे। परी का बच्चा भी। तुम्हारा एक रिश्तेदार तुमसे मिलना चाहता है। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल?
यस सर, यस सर, 3 bags full. 1 for my master and 1 for my dame. And 1 for my brother-in-law, who's going to die in pain. बहुत बुरा मरेगा साले, बहुत बुरा। मैं बैठूंगा तेरे बाप की कुर्सी पर, मैं और मेरी विधवा बहन। कितनी बार हाथ उठाया मुझ पर, बहुत चलता है तेरा हाथ, हाँ? बहुत चलता है तेरा हाथ। इसे सब चल के चलो शैला, हुआ इस हालत में देखना अच्छा नहीं। जिस तरह रामदास को मारा वो बहुत गलत था। हमारे 15 आदमियों का इनकाउंटर हो गया, ड्रग्स का धंधा बंद हो गया, इसके पीछे पुलिस नहीं ठाकुर ही थे। सर में एक गोली मारने से भी मौत आती है राणा अंकल। जो हो गया सो हो गया, अब रामदास के चौथे के दिन गलती नहीं होगी। क्या सोच रही हो? यही कि जब आग लगती है तो सूखे के साथ गीला भी जल जाता है। मतलब? मतलब माँ, रत्ना। चलो बेटा अंदर चलते हैं। तुम सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? मैं भागूंगा नहीं। ये लड़ाई इन्होंने शुरू की है, उसे खत्म करने का नशा मेरे सर चढ़ रहा है। तुम्हें लगता है परी इसमें शामिल है? चांदनी, तुम परी को नहीं जानती हो। वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती है, मगर जब भी उसे मौका मिला ना, वो मेरी जान ले लेगी। और जिस तरह से भैया को मारा गया, इस तरह की घिनौनी हरकत वो कभी नहीं करेगी। तुम्हें पता है मुझे गम किस बात का है? जब ये खेल खत्म होगा, परी की मौत मेरे हाथों निश्चित है। इसे पहले वाली पिक्चर बहुत कमा गई, पर ये उससे भी ज्यादा कमाएगी, मजा आएगा। हाँ उधर देखो क्या हाँ। चल रहा है? सीट बदली कर रहे हैं सर। क्या हुआ? वो जल गई थी सर, पीछे से जल गई थी जी।
ये अनवर चाचा को लाने रंजीत इसी गाड़ी में गया था क्या? जी। हेलो बेटी, मैं उमा बोल रही हूँ। बेटी बोलो। माँ, तुम्हारे मुंह से माँ सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि ना मेरा पति ना मेरा बेटा तुमसे बात करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अनमर भैया को धोखे से मारा गया है और मैं पूरी ठाकुर परिवार की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और तुम्हारी माफी मांगती हूँ। बहुत शर्मिंदा है ठाकुर परिवार, ये सुनकर तुम तुम्हारा फैसला बदल दो ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। लेकिन बेटी, इस खून खराबे से हाथ सिर्फ दुर्दशा आएगी। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, पर तुम तुम्हारे बेटे के, हमारे पोते के भविष्य के बारे में सोचो। सोच लो बेटी। फंक्शन इस हॉल में होगा और हमारे सारे आदमी यहां होंगे। अंदर जाएंगे कैसे? उनकी सिक्योरिटी होगी? फंक्शन की सिक्योरिटी अन्ना देख रहा है। बहुत बढ़िया जमीन दिलाई हमने उसे। रानी आगे। हमारे सारे आदमी आज रात में पोजीशन ले लेंगे। सवेरे जब उनकी गाड़ियां पार्क होंगी तो हर गाड़ी के नीचे बम लगा दिया जाएगा। तो इधर बच गए तो उधर मरेंगे। दादा परी आई है, भेजो। जी आओ बैठो। पूरी प्लानिंग हो चुकी है रानी। राणा अंकल, ये अटैक नहीं होगा। व्हाट द फक? क्यों? अभी मेरी उमा से बात हुई, ठाकुर खानदान हमारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार है, जो भी हमें चाहिए, और वो अपने सारे बिजनेसेस भी छोड़ देंगे। और ठाकुरों की मौत, उसका क्या? हाँ, वो मेरी पर्सनल दुश्मनी थी। ये मेरा भी पर्सनल मामला है। तुम्हारे आशिक ने मेरे भाई को मारा था। तो मार डालो उसे, I don't care। लेकिन वहां पे बहुत लोग होंगे जिनका तुम्हारे भाई की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले क्यों नहीं सोचा ये? तब बात अलग थी। I don't care। कल अटैक होगा। जिंदा रहोगे तब। एक मिनट। ए, ठीक है परी, मैं जबान देता हूं, मैं अटैक नहीं करूंगा। परी, व्हाट द फक विशंबर, तुमने कैसे जबान दे दी उसे? जबान मैंने दी ना रानी। वैष्णव जन तो देने कही जे पीड़ पराई जाने रे। रानी है राणा का, बाहर फोन आया था, पहुंच रहे। बाबूजी आप बैठिए, मैं देखता हूं। श्याना चलो मेरे साथ। कहा? चौथे का बंदोबस्त करना है, बाबूजी ने बोला है। रुको देवी,
शाला बाहर मत जाओ। शाला रुको। शाला चांदनी, गाड़ी निकालो। माफ कर दो मुझे देव, माफ कर दो, गलती हुई मुझसे। चंदा दादा, परवीन की दुश्मनी तो ठाकुर खानदान से थी ना, लेकिन वहां 14 लोग मर गए, मासूम लोग। चांदनी तो ठाकुर नहीं थे। गलत किया परवीन ने। देखो उस रोज जो भी हुआ उसके लिए राणा और रॉनी जिम्मेदार है, ये सब जानते हैं, मगर उनको मदद की है दोस्त के लिबास में छिपे घर के गद्दारों ने। फिर उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है बाबूजी। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है रंजीत। अगर उन्हें जानना है, पहचानना है, तो मेरी मौत होने तक तुम्हें इंतजार करना होगा। देवी, मैं और तुम्हारे बाबूजी अब अपने फार्म हाउस पे रहना चाहते हैं। चलो अब खत्म करो, देर हो गई है। चलते इतने साल रह रही मेरे साथ, अभी भी गोलियों की आवाज से डरती है। चालीस साल से दोस्त था मेरा, मैंने बोला था फार्म हाउस पे मत जा, बात नहीं सुनी मेरी। रखो, अब सिर्फ एक ही ठाकुर बचा है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, मार दो मुझे अभी, वरना कल से शायद शान को मान ही रहेगी। मॉर्निंग देवी। छिड्डा छिड्डा देवी भाई। हेलो, बोलो देवी भाई। आई एम रियली सॉरी, दादा के साथ जो भी हुआ उसका अफसोस है मुझे। होनी को कौन टाल सकता है छिड्डा जी। खैर, जो कहने आए हो खुल के बोलो। वो बुकी लोग और गैम्बलिंग वाले चाहते थे कि उनका परसेंटेज अगर थोड़ा बढ़ जाए तो। 25% दिया तो था। वो रिस्क भी तो बढ़ गया है देवी भाई, और ये पुलिस वाले ये भी अपना हफ्ता बढ़ा रहे हैं तो। कितना मांग रहे हैं? 50% आप कह रहे थे। चड्डा, तेरे यहाँ आके मुंह खोलने की हिम्मत इसीलिए क्योंकि तुझे लगता है रामदास और बाबा की मौत के बाद ठाकुर परिवार कमजोर हो गया। ये देवी भाई, ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, जो तेरे भाग्य में है वो तुझे मिलेगा। ऑल द बेस्ट। ठीक, मैं चलता हूं। देवी बोलो ना।
रॉनी तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाहता है। रॉनी? नहीं, वो राणा का फोन आया था ना, सभी लोग मिलना चाहते हैं। राणा का फोन आया था? यहाँ तो नहीं, मेरे घर पे आया था आज ही सवेरे। कह देना उसे हम नहीं मिलेंगे। नहीं, हम मिलेंगे। परसों दशक्रिया है, उसके बाद रात को मिलेंगे। ठीक है। नहीं रॉनी, उस मीटिंग में देवी को नहीं मार सकते। तांडेल, यूसुफ, बाकी गैंग वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे। और देवी इतना बेवकूफ भी नहीं है जो हमारे इरादे से अनजान होगा। Then how do we kill him? उस दिन मीटिंग में मैं देवी के साथ उसकी गाड़ी में आऊंगा। गाड़ी में बॉम्ब फिट किया होगा। मीटिंग के बाद जब देवी वापस जाएगा तब ब्लास्ट होगा। तो गाड़ी में बॉम्ब कौन लगाएगा? कौन है? दे अन्ना। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। देवी, राणा है। नमस्ते प्रिजी। दाहिने हाथ में जल लेकर के तीन बार आचमन। नमस्ते राणा अंकल। Cheers. 60% कमीशन मिलेगा। पर देवी ने तो 50 बोला था। कल से हमारे धंधे का मालिक राणा होगा, क्योंकि आज रात देवी की गेम बजेगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चलो चलो कल्टे कल्टे मारो सब लोग। चले चल निकले ऐसे चल। ए तेरी को अलग से बोलने का, चल भाग ऐसे। ये सारी मुसीबत की जड़ वो कुत्ता राणा, उसने उकसाया हमें। हम तो 25% में खुश थे। पूछ लो 25। हाँ हाँ, लेकिन मैंने तुझे जबान दी थी। हाँ। जो तेरे भाग्य में होगा वो तुझे मिलेगा। हाँ। अच्छे भले धंधे को तूने नजर लगा दी। हमको 20 भी चलेगा। पियो पियो एंजॉय। 20 भी क्यों दें पोतिया? भाऊ पोतिया नहीं दिख रहा है। देवी ने नई बाइक दी है, टेस्ट ड्राइव के लिए गया है। वेलकम। चल मैं छेड़ा नहीं हूं देवीदास, तेरा इंतजार कर रहा था। चला गोली। इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुझे। एक मौका मिला था तुझे, गंवा दिया।
मैंने कहा था तुझे, मौका गवा दिया तूने। बहू पूजा में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। पता नहीं, शायद पंडित जी को ज्यादा पैसा दिया हो। मैं चलता हूं, शाम की मीटिंग की तैयारी करनी है। देवी से कह देना मैं शाम को उसको लेने आ जाऊंगा। तुम ही कह दो। नहीं, वहां नहीं, वहां। देवी तुम पूजा छोड़ के? अंकल, पूजा पाठ में बैठने का पहले से मन नहीं करता था, एक दो अर्जेंट काम थे, मैंने कहा निपटा लें। और हाँ, शाम को घर पे आपकी राह देखूंगा। हाँ हाँ, अन्ना आज के बाद रॉनी तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। देवी मैंने जो कुछ किया वो फसाद मिटाने के लिए नहीं। अन्ना चल। रणांकल अंदर। रणांकल ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया रणांकल? चूतिए, तेरे को पता नहीं था देवी दर्शक्रिया में नहीं है? राणाकल तू क्या कर रहा था वहां? राणाकल देवी ने किसी को खबर नहीं होनी दी। अब क्या करें? परी को फोन लगा। परी? हाँ, क्या हुआ? देवी ने घर बुलाया है अभी। मिल लो। मुझे नहीं मिलना उससे। क्यों? बॉबी, कमबख्त इश्क भी तो कम नहीं होता ना। जाओ। अरे चाचा आप कैसे? परी अभी अभी बाहर गई। जानता हूँ। हाय दादाजी। दादाजी के बच्चे? ये ठाकुर के पिल्ले को लेने आए हो? क्या कह रहे हैं आप? ये मेरा बेटा है, मैं आपको ले जाने नहीं दूंगा। क्या ले जाने? चाचा आपके झगड़े में आप इसे नीचे। चाचा, चाचा मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। चाचा निशान, 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 निशान। माँ, परी, बेटी तुम क्या कर रही हो यहाँ? देवी ने बुलाया। देवी ने बुलाया? लेकिन वो तो घर पे नहीं है, वो तो चला गया अस्थि विसर्जन करने। नहीं, रंजीत ने मुझे फोन किया और कहा देवी ने बुलाया। मैंने? मैंने तेरे को फोन नहीं किया। Bobby.
ले गया उसे। देवीदास ठाकुर। पिता का नाम बताइए। कालिदास भानुदास ठाकुर। मृत व्यक्ति का नाम बताइए। रामदास कालिदास ठाकुर मेरे बड़े भाई। सभी है? हाँ दादा, एक एक हरामी को ढूंढ के लाया हूं मैं। ईशान कहाँ है? हमारे पास नहीं है। कहाँ है ईशान? रॉबर्ट, नहीं, नहीं, रॉबर्ट छोड़ो उसे, रॉबर्ट, नहीं, रॉबर्ट, छोड़ो रॉबर्ट। रॉबर्ट, ये हमें बता सकता था ईशान कहाँ है? सब पता है। कैसे है भाऊ? चल चल।
चल बहू, जाने का वक्त आ गया। नहीं, ये कुत्ता बताएगा कि ईशान कहाँ है। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। मतलब खामखा मर गया बेचारा। क्या है परी, तुमने बहुत साल पहले कसम खाई थी कि ठाकुर खानदान को खत्म करूंगी। राणा, अरे बात कर रहा हूं ना, उससे कई साल पहले मैंने भी यही कसम खाई थी, लेकिन मुझे क्या पता था साला एक और ठाकुर पैदा होगा। छोड़ उसे। नजर में बेरुखी, लब पर तबस्सुम, इश्क जिंदा लोगों का काम नहीं। यह आज मुकम्मल हो गया। मुझे माफ कर दो देवी, प्लीज मुझे। तुम्हारी कसम तो पूरी हो गई देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी देवी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी, ये कौन है? ये तेरे पिता है। मुझे आपका फैसला सही नहीं लगा बाबा। ना हम राणा रहा ना डिकोस्टा,
सारा पावर हमारे हाथ में बाबा। क्या करेंगे इतने पावर के रणजीत? हमारे इतने पावर के बावजूद क्या हम तुम्हें अनोर और रामदास को मारने से रोक पाए? कैसे बातें कर रहे हो बाबा? सब जानते हम, सब जानते। राणा को गिनकर 8 लोग हाजिर थे जब तुमने मेरे बेटे को मारा। सबको मार दिया मैंने। बाया पैर काटा था ना सबसे पहले तुमने मेरे बेटे का, फिर बाया हाथ। पागल हो गया था मैं बाबा, पागल हो गया था मैं। पता नहीं मुझसे क्या भूत सवार हो गया था। एक ठाकुर को मारकर किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है। सुन रहा है वो खुदा।